छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत के आंकड़े छुपाने के आरोप नीतीश सरकार पर लग रहे हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 38 लोगों के मरने की बात कही गई है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ये नंबर कहीं ज्यादा है। वहीं नीतीश सरकार में सहयोगी आरजेडी के पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने जहरीली शराब कांड में 150 से अधिक लोगों की मौतों का दावा किया है। जी हां, आरजेडी के पूर्व विधायक के दावे के बाद सरकारी गैर सरकारी आंकड़ों पर भी सवाल उठ रहे हैं। रणधीर सिंह ने ये भी कहा कि मौत के बाद सरकारी अफसरों ने लोगों को धमकाया, जिसके कारण सही आंकड़े सामने नहीं आ पाए। पूर्व आरजेडी विधायक रणधीर सिंह ने मृतकों के घर जा जाकर उनके परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं। हमने पहले ही कहा है कि मरने वालों का संख्या 150 से ज्यादा है और सरकार के तरफ से कोई नहीं आया, इसका क्या मतलब है? हम खुद सरकार के साथ है, हम गए हैं वहाँ के स्थानीय विधायक केदारनाथ सिंह जी गए हैं, जनक सिंहपुर ये मुंदिरका यादव वहाँ के राजद के पूर्व विधायक हैं। तरैया क्षेत्र में इसवापुर प्रखंड में जहाँ भी मौत हुआ, सिसवा हो या आपको अटौली हो, महुली हो, हर जगह वो गए हैं। जो भी राजद के लोग हैं यहाँ पे विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, वो लगे हुए हैं और आगे सरकार के पास हम लोग अपना मांग रख रहे हैं, मजबूती के साथ बात रखेंगे। जो भी उस पर करना होगा सरकार के तरफ से किया जाएगा। दोषी होगा, चाहे वो थाने का हो, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड का हो, कोई वेंडर हो, कोई खुदरा बेचने वाला हो, जो भी दोषी है जिसका नाम सामने आएगा उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल बिहार में शराब कांड को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसके साथ ही सदन के आखिरी दिन भी बीजेपी ने नीतीश सरकार पर लगातार वार किया और फिर से बीजेपी ने मुआवजे की मांग की। फिलहाल देखना अहम होगा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने मुआवजे के लिए साफ तौर से मना कर दिया है, उसमें सबसे बड़ी बात तो यही है कितने हंगामों के बाद क्या नीतीश कुमार का रुख थोड़ा बदलता है या फिर नीतीश कुमार मुआवजा ना देने की बात पर ही अड़े रहते हैं।